दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और क्या आप अकाउंट्स के अंदर ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, अकाउंट में शॉर्ट सम्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपको फाइनल अकाउंट अच्छे से करना है तो एडजस्टमेंट के लिए शॉर्ट सम्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। उसको आपको याद रखना है, उसको आपको लर्न करना है, उसकी ट्रिक समझनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो दो दो तीन तीन माह के शॉर्ट सम्स होते हैं वो आपके अचीव हो जाएंगे। अब आपको समझ भी पड़ जाएगी और मार्क्स भी आप स्कोर कर सकते हो। ऐसे वीडियो मैं लेके आया करूँगा, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिना देर किए चलो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट सम सिखा देते हैं। दूसरे दिन दूसरा शॉर्ट सम कल आएगा। आने वाले प्राइम में मैं शॉर्ट सम सारे लेके आ जाऊँगा, फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट्स भी लेके आता रहूँगा और फाइनल अकाउंट्स का पूरा सम सॉल्व करने का भी होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल प्रणव क्लासेस। तो दोस्तों, यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है कि हीरल विड्रॉज 500 रुपीज बिगनिंग। देखो दोस्तों, यहाँ पे ये एक पॉइंट है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, दैट इज। और यहाँ पे 10% इंटरेस्ट बोला हुआ है। ये सम को दो टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, तो दोनों में से कोई भी एक मेथड आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पे सम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऐसा है कि आई इज इक्वल टू पी आर एन अपॉन 100। तो आपको इंटरेस्ट ऑन यहाँ पे विड्रॉ बोला है ना, ये ड्रॉइंग्स बोला है, तो विड्रॉ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना होता है वो यहाँ पे देखना है। दोस्तों, अगर आपने सबसे पहले ये जो 500 है, बड़ा सा एरो ले लेता हूँ, ये 500 को ही मैं यहाँ पे लिखूँ, 500 को ही मैं यहाँ पे लिखूँ और रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस स्क्रीन में स्क्रॉल करके यहाँ पे आपके लिए लेके जाता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% यहाँ पे लिखूँ और यहाँ पे इसको मैं 12 से डिवाइड करूँगा और बिगनिंग ऑफ द मंथ होता है तो 78 आता है। और इसको आप इस तरह से सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 325। अब दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी, ये 78 क्यों आया? एंड ऑफ द मंथ होता है, देखो एंड ऑफ द मंथ होगा तो 66 आएगा, बिगिनिंग ऑफ द मंथ होगा तो 78 आएगा, मिडल ऑफ द मंथ होगा 15 तारीख होगी तो 72 आएगा। वो कब कैसे आता है तो वो जरा हम लोग स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये स्क्रीन को मैं यहाँ से ऐसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये है कि भाई ये महीने के बिगिनिंग में, तो इसके 12 महीने गिनने हैं क्योंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऐसे मार्च तक जाना है तो 12, फिर अप्रैल पूरा हो गया तो फिर मई से तो हो जाएगा 11, फिर 10, 9, 8, 7 पूरा दिया हुआ है तो वो 78 हो जाता है। और एंड ऑफ द मंथ है तो यही 78 माइनस 12 एंड ऑफ द मंथ है, तो ये पहला मंथ जो है ना वो सब कैंसिल हो जाएगा, तो 78 माइनस 12 जो होता है तो वो 66 आ जाता है। इसीलिए देखो, आप यहाँ से ये कलर चेंज कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, ये जो है वो ही सारा ये है, अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट और नॉट, वो ही सारा ये है, तो 78 माइनस 12 तो 66 हो जाता है। तो अगर यहाँ पे एट द एंड बोला होता तो मैं 500 लिखता, उसके बाद उसका 10% लिखता, उसके बाद 66 लिख के कैलकुलेट कर देता और इन द मिडल बोला होता दोस्तों तो मिडल में मैं क्या लिखता, 500 लिखता इंटू 10/100 लिखता इंटू मिडल है तो 72 लिख देता। तो इस तरह से ये एक टाइप या एक मेथड हो गई सम सॉल्व करने की। अब बिना देर किए दूसरी टाइप या दूसरी मेथड पे जाते हैं। मैं स्क्रीन को वापस थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। अगर आपको ये मेथड समझ नहीं पड़ी या तो आपको और एक दूसरी मेथड सीखनी है तो दोस्तों, वापस वो मेथड जो है, दैट इज आई इज इक्वल टू पी आर एन अपॉन 100 वाली ही मेथड है, जिसके अंदर यहाँ पे प्रिंसिपल जो होगा वो 39,000, ये वाली फिगर आपको लिखनी है, इंटू 10% आपको लिखना है, 12 तो होता ही है,
लेकिन यहाँ पे 1 month लिखना है। अब दोस्तों ऐसा क्यों होता है, तो भाई ये जो हमने अब वापिस एक इसको डिस्टर्ब कर ही लेता हूँ मैं, हमने ये वाली चीज़ तो जो ली थी ही ली थी, समझ रहे हो दोस्तों, ये वाली चीज़ तो हमने ली थी ही ली थी, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। और सबसे मैं 500 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 500 इंटू 12 तो 6000। तो अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दूँ तो ये वही चीज़ हो जाती है कि इसके अंदर 10 इंटू तो 500, इसको तो 500, और इस तरह से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हो जाता है, तो ये हो जाएगा अपना 325। तो इस तरह से प्रॉब्लम बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग और एंड का हो जाता है। अब मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है कि अगर इसके अंदर एंड ऑफ द मंथ होता तो क्या ये चीज़ आप लेते कि ये चीज़ को इग्नोर करते, दोस्तों ये कमेंट में लिख देना, अंडरस्टैंड दिस और नॉट। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो लाने के लिए उसको सब्सक्राइब करता रहना। मैं ऐसे वीडियो रोज़ लेके आया करूँगा, मोस्ट ऑफन लेके आया करूँगा, मेरी पूरी मेहनत होगी कि आप लोगों के मार्क्स और परसेंटेज बढ़ जाए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड जय हिंद।